सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया था कि दिशा ने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी। जी हां, आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सबसे पहले कॉर्नरस्टोन कंपनी के मालिक बंटी सजदेह को पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, आपको बता दें कि दिशा सालियान इसी कंपनी में काम करती थी। दिशा पहले सुशांत की पीआर का काम देखती थी। आपको बता दें कि सीबीआई अपनी जांच में देखेगी कि कहीं सुशांत और दिशा की मौत से कोई कनेक्शन तो नहीं है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का आज 15वां दिन है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई के साथ प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी जांच तेज़ कर दी है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर रही है। वहीं अभिनेता के घर काम करने वाले नीरज और केशव से भी पूछताछ के लिए सीबीआई रोज उन्हें बुला रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि शोविक चक्रवर्ती से भी लगातार पूछताछ हो रही है। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैद विलात्रा को एस्प्लेनेड कोर्ट लेकर आई। वहीं आपको बता दें, उन्होंने बुधवार को सुशांत सिंह मामले में ड्रग कनेक्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने अदालत से जैद की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद अदालत ने एनसीबी को जैद को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड दी है। तो लगातार ही इस केस में नए नए खुलासे आ रहे हैं। अब ड्रग कनेक्शन भी सामने आ गया है जिसमें सौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आ रहा है। तो देखते हैं इसमें और आगे क्या खुलासे होते हैं। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी से। सुरभि की रिपोर्ट।